नमस्ते दोस्तों, जायका विथंजलि में आपका स्वागत है। आज मैं बेढ़मी पूरी और आलू की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू की सब्जी मैं बगैर लहसुन प्याज का बनाकर तैयार करूँगी। हमने यहाँ पर आधा कप उड़द का दाल लिया है, जिसे हमने अच्छे ढंग से धोकर पानी में 4 घंटे तक भिगो कर रखा था। देखिए उड़द की दाल कितने अच्छे ढंग से सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसे हम पीसेंगे। पीसने के लिए हमने एक मिक्सी का जार लिया है, जिसमें हम सारा उड़द का दाल डाल देंगे और 1 से 2 चम्मच पानी डालकर पीस लेंगे। देखिए दाल को हमने एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। एक बर्तन में हम दाल का पेस्ट निकाल लेंगे और इसमें हम तकरीबन 1.5 कप आटा लेंगे। 1 चम्मच दरदरा कूटा सौंफ लेंगे, 1/2 चम्मच अजवाइन लेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर लेंगे, 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर लेंगे, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर लेंगे, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर लेंगे, 1/4 चम्मच काला नमक लेंगे, 1/2 चम्मच काली मिर्च लेंगे, 2 चुटकी हींग लेंगे, स्वादानुसार नमक मिलाएंगे, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर मिलाएंगे, 2 चम्मच घी मिलाएंगे, 1/2 चम्मच चावल का आटा मिलाएंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे ढंग से हाथ से मिला लेंगे कि सारे मसाले और नमक अच्छे से एक दूसरे में मिल जाए। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए आटा अच्छे ढंग से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मिलाते जाएंगे। एक बार में हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। इसे हमें सख्त आटा गूंथना है, जैसे हम लोग नॉर्मली पूड़ी का आटा लगाते उस तरह का आटा इसे हमें लगाना है। देखिए हमारा आटा गूंथकर अब तैयार है। इसे हम ढककर 15 से 20 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख देंगे, जब तक हम आलू की सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने 2 आलू को उबाल कर लिया है, इसका हम छिलका उतार लेंगे। देखिए हमारा छिलका उतर गया है। अब मसाले के लिए हमने यहाँ पर 1 टमाटर लिया है और हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। हम इस सब्जी में लहसुन प्याज का यूज नहीं कर रहे हैं। देखिए हमारा टमाटर पीसकर तैयार है। सब्जी को तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ मसाले निकाल के रखे हैं। 1 मिर्च लेंगे, थोड़ा सा दरदरा कूटा सौंफ लेंगे, दरदरा कूटा धनिया लेंगे और थोड़ा सा मेथी दाना लेंगे, तकरीबन 1/4 चम्मच जीरा लेंगे और 2 हरी मिर्च चीरा लगा कर लेंगे और यहाँ पर हम अदरक लेंगे और लास्ट में हम हींग लेंगे। सब्जी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑन कर कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है। जब हमारी कढ़ाई गर्म हो जाए तो इसमें हम तेल डालेंगे। हम यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 चम्मच तेल लेंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाए तो तड़का के लिए हम खड़े मसाले तेल में डाल देंगे। हम मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे। अब हमारे मसाले तकरीबन भून गए हैं। यहाँ पर हमने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर लेंगे, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर लेंगे और 2 से 3 चुटकी हींग डालेंगे। सारे मसाले को हम भून लेंगे। इस समय गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे और इसे हमें 15 से 20 सेकेंड तक ही फ्राई करना है। अब हम इसमें पिसा हुआ टमाटर मिला देंगे
और इसे हमें जब तक फ्राई करना है जब तक कि हमारे मसाले से तेल ना छोड़ दे। इसे भुनने में हमें तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं। देखिए मसाले को भुनते हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं और तेल भी मसाले से अलग हो गए हैं। यहाँ पर हम स्वादानुसार नमक मिला देंगे, मसाले के साथ नमक को भी मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम आलू को मिला देंगे। इसे हमें काटना नहीं है, बस हाथ से ऐसे ही अंगुली की सहायता से इसे फोड़ लेना है। अब हम आलू और मसाले को अच्छे ढंग से मिक्स कर देंगे। बहुत सारे घर में जब पर्व त्यौहार होते हैं तो लहसुन प्याज का यूज नहीं करते हैं, आप चाहें तो उस टाइम भी ये सब्ज़ी बना सकते हैं। हमें ये आलू को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट में ही हमारे आलू फ्राई हो जाएंगे। अब इस स्टेज पर हम इसमें पानी डाल देंगे, पानी और मसाले को अच्छे ढंग से हम मिला लेंगे। और इसमें हम आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर मिलाएंगे। इस समय गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। जब हमारी सब्जियों में उबाल आ जाए तो इसे हम ढककर तकरीबन 5 से 7 मिनट और पका लेंगे। अब 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, अब ढक्कन हटा लेंगे। देखिए हमारी सब्जी तकरीबन बनकर अब तैयार है। अब यहाँ पर हम कसूरी मेथी डालेंगे। अगर आपके पास फ्रेश धनिया की पत्ती हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। और इसे हम अच्छे ढंग से मिक्स कर देंगे। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। देखिए आटा भी हमारा रेस्ट कर तैयार हो गया है। इसे अब थोड़े से और मिक्स कर इसे और चिकना बना लेंगे। अब पूड़ी के लिए हम लोइयां तोड़ लेंगे। देखिए हमने सारी लोइयां बनाकर तैयार कर ली है। अब हम बेढ़मी पूरी को बेल लेंगे। पूड़ी तलने के लिए हमने गैस का फ्लेम ऑन कर कढ़ाही को गर्म करने के लिए रख दिया है। जब हमारी कढ़ाही गर्म हो जाएगी तो इसमें हम तेल डालेंगे। देखिए हमारी तेल अच्छे ढंग से गर्म हो चुकी है। इसमें हम एक एक करके सारी पूड़ियाँ तल कर तैयार कर लेंगे। बेढ़मी पूरी और आलू की सब्ज़ी आप घर पर ज़रूर ट्राई करें और अपना अनुभव हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अब हम बेढ़मी पूरी और आलू की सब्ज़ी को सर्व करेंगे।